अलग अलग जनता को ठगने के लिए कभी बीजेपी से बनाते हैं, कभी कांग्रेस से बनाते हैं दोनों। इसलिए पायलट साहब उनका मुखड़ा जनता के बीच में उखाड़ फेंकेंगे, भोगने का हो। पायलट साहब ने तो पार्टी की सेवा की है, कांग्रेस की निस्वार्थ भाव से 6 साल तक अध्यक्ष रहते हुए सेवा की है, सरकार का कभी सुख भोगा नहीं। राजस्थान की जनता सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट की तरफ देख रही है। आम गरीब और आम जनता की आवाज बनकर पायलट साहब कांग्रेस में ही रहेंगे, कांग्रेस में रहेंगे। तो ये क्या रीजन रहा है कि 4.25 साल हो गई, अगर वसुंधरा जी पे एक्शन नहीं लिया तो 4.25 साल निकल गए, तो ऐसा क्या है कि चुनाव के आखिरी साल पे अनशन करना पड़ा पायलट जी को? देखिए, जिन मुद्दों को लेके पार्टी जब 21 सीटों से 100 सीटों पे आई थी, पायलट साहब प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो परिस्थितियाँ पैदा हो रही है कि वसुंधरा जी का और गहलोत जी का जब ये वादा था कि वसुंधरा ने जो खनन घोटाला किया है इनकी जांच कराएंगे, जब सरकार का समय पूरा होने जा रहा है तो पायलट साहब जब जनता के बीच जाएंगे तो वो क्या बोलेंगे? तो इन चीज़ों को लेकर के आज महात्मा गांधी जी की फ़ोटो के नीचे उन्होंने अनशन किया है और राजस्थान की पूरी जनता इनके इस मुद्दे पे उनके साथ है। तो आने वाले चुनाव में सीएम का चेहरा किसे मानते हैं आप? सीएम का चेहरा जो है आला कमान तय करता है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से जनता के साथ धोखा हुआ है,